দেখছেন চ্যানেল 24/7 টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য। 75 বছরের প্রাচীন সংস্থা ব্যারাকপুর ইংল্যান্ড ফিশারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অর্থাৎ শিফরির পক্ষ থেকে বাঙালির প্রিয় খাদ্যবস্তু ইলিশ মাছকে আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে নেওয়া হলো অভিনব উদ্যোগ। শিফরি সংস্থার পক্ষ থেকে ভারতে এমন ধরনের উদ্যোগেই প্রথম। পশ্চিমবঙ্গে 3টি জায়গাতে ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে ডাঙায় ডিম পোনা তৈরি করে ছাড়া হচ্ছে গঙ্গায়। বুধবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি সংস্কার অধিকর্তা বসন্ত কুমার দাস জানান, গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে যে সময় লেগেছে সেই সময় বিজ্ঞানী এবং মৎস্যচাষীরা হাতে হাত মিলিয়ে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছেন। গোটা বিষয়টি নিয়ে যে গবেষণা চলছে শিফরির তত্ত্বাবধানে, তাতে আগামী দিনে ইলিশ মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যাবে। हम लोग अभी आप लोग देखेंगे जो हिलसा का जो ब्रीडिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उनको हम आसान करने के लिए अभी क्या किए हैं ना, जो फीमेल हिलसा मिल रहा है उजिंग आउट फीमेल हिलसा कलेक्ट करते हैं और मेल का मिल्ट कलेक्शन करके साइट में फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद उसको जो एग हो जाता है फर्टिलाइज एग, वो जो हैच आउट करने के बाद वो अर्ली यंग वन को हम लोग अभी फाराका में अपस्ट्रीम में लेके छोड़ रहे हैं। सो दैट जो 2-3 लाख के 5 लाख अभी तक हम छोड़े हैं, उसी में जो 5% भी बच्चा उधर बचेगा ही, वो गंगा नदी में, जैसे 5 लाख में 5% 25,000, ऐसे ही अभिनव उपाय में अभी जो कंजर्वेशन आस्पेक्ट और हिलसा गंगा नदी में मिलेगा, इसके लिए काज कर रहे हैं। ये एक अभिनव उपाय इस साल से हम लोग शुरू किए। इसके बाद भी हम लोग एक सर्कुलर केज फाराका में इंस्टॉलेशन किए, जो सर्कुलर केज में अभी हम लोग हिलसा कलेक्ट करके उसमें छोड़ रहे हैं। नदी में केज करके हिलसा छोड़ने से वो उसी में बढ़ेगा और बढ़ने के बाद वो माँ जैसे बन सकता है, उसी में हम लोग ब्रीडिंग करके भी फिर गंगा में छोड़ने से इनका वंश बढ़ जाएगा। ये नया दो उपाय इस साल हम हमारा जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें जुड़े हैं। सर, इससे क्या लगता है कि हिलसा का उत्पादन और भी कितना बढ़ने का चांसेस है? सुनिए, आप लोग देखे होंगे जो हम बाहर विदेश में यूरोपियन कंट्री में सालमन फार्मिंग जब शुरू हुआ था, उनको रिसर्च 40 साल लगा था। जो आज का आज सुख आप पूरा यूरोपियन कंट्री सब फायदा हो रहे हैं और देश को भी विदेश को भी रप्तानी कर रहे हैं, उसी से भी हिलसा को हम इसी उपाय में शुरू करने से, जो हिलसा जो बोलते हैं फास्ट स्विमर और पकड़ने से इमीडिएटली मर जाता है, तो ये जो केज कल्चर बड़ा 16 मिलीमीटर डाया केज हम किए हैं बड़ा केज, वो केज में मछली छोड़ने से आहिस्ते आहिस्ते डोमेस्टिकेशन होगा। डोमेस्टिकेशन होने से इनका जो नदी में जैसे हम तालाब में छोड़ते हैं मर जाता है करता, अभी वही एनवायरमेंट में वो बढ़ेगा। बढ़ने से हमको आसान होगा उनको डोमेस्टिकेशन करने के लिए, एक जगह रियरिंग करने से उसका फर्दर रिसर्च करके हिलसा का वंश वृद्धि करने के लिए, ये एक। जो दूसरा है, अब लोग जैसे बोलते हैं ना, मैंने बोला जो डीम को हम प्रजनन करके छोड़ रहे हैं, वो कंजर्वेशन 1 किलो जैसे हिलसा में 15-16 लाख डीम देता है, तो ये इतना डीम को हम फर्टिलाइज करके आस्ते आस्ते इसको विस्तार करने से 5% सर्वाइवल रहेगा। तो पहले जैसे ये गंगा नदी में प्रजनन करके आगे जाता था फिर वापस आएगा, तो इसमें हमारा बहुत कुछ मुनाफा। ব্যারাকপুর থেকে সৈকত গাঙ্গুলী, রিপোর্ট চ্যানেল 24/7। আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24/7 টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য।